उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके में चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। सिंधी बाजार इलाके में एस कुमार टेलर पर चाकूबाजी की घटना हुई और वहीं जानकारी के मुताबिक दुकान को लेकर पिछले दो साल से कोर्ट में विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते दुकान मालिक सतपाल सिंह के बेटे भतीजे पर राजकुमार ने चाकू से हमला कर दिया और एकाएक हुई इस वारदात से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान में हुए खूनी संघर्ष की वजह से हर तरफ खून ही खून फैल गया। गंभीर घायल को एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने नामजद मामला दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन उदयपुर में दिन दहाड़े हुई इस घटना से सभी व्यापारियों में और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। आपको बता दें कि इस दुकान को लेकर पिछले दो साल से कोर्ट में विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते सिंधी बाजार में चाकू की इस वारदात को अंजाम दिया गया। गंभीर घायल युवक को उपचार के दौरान, आपको बता दें, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। और इसी खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। रवि, क्या था ये पूरा मामला? ज्योति, मैं बताऊँ आपको कि ये जो पूरा मामला है ये दुकान के विवाद को लेकर उपजा हुआ है। हालांकि ये जो मामला है कोर्ट में तो पिछले दो साल से चल रहा है, लेकिन ये जो शॉप है यहाँ पर ये पिछले 40 साल से यहाँ पे एस्टेब्लिश है। और जिस तरह से जिसने जो आरोपी है देवेंद्र जी, तो माफी चाहूंगा, जो आरोपी है राजकुमार उर्फ जिसका प्रिंस नाम है, तो उसने एकल इस वारदात को अंजाम दिया था और वो लगातार इस पे दबाव बना रहा था कि ताकि वो दुकान को खाली कर दे। कल उसने मौका देखकर पहले वो दुकान पर गया, वहां पर पहले जब सतपाल उसके साथ में देवेंद्र उर्फ काना दोनों वहीं पर थे, कुछ देर उसने वहां बहस की, उसके बाद वो वहां से थोड़ी देर के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही सतपाल लघुशंका के लिए गए तो पीछे से उसने वापस जाकर देवेंद्र पर हमला किया और जब सतपाल आया तो कुछ चोटें उन्हें भी आई है और उसने इतने ताबड़तोड़ वहां पर वार किए कि काफी सारा उसका जो खून था वो निकल गया और उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। और जैसे जैसे उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां जाकर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया कि काफी सारा ब्लड जो है निकल चुका है। अब जो है इस मामले को लेकर पुलिस ने जो है जो आरोपी है राजकुमार उसके जो काका है उदय सिंह उनको एक बार हिरासत में लिया है और उसके बाद अब जो है पुलिस ने भी शव का जो है रात को मोर्ची में रखवाया था, तो अभी पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। जी ज्योति। जी रवि, जिस तरह से दिन दहाड़े एक दुकान में इस वारदात को अंजाम दिया जाता है तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल निशान खड़ा होता है, क्योंकि दिन दहाड़े इतने दुकानों और इतने व्यापारी, इतनी आवागमन रहती है और उसके बीच ये घटना होना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। रवि जी बिल्कुल, ज्योति बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये जो सिंधी बाजार का इलाका है, कल जब ये वारदात हुई थी तो उसके बाद में यहाँ का कुछ इलाका जो है वो घंटाघर थाना क्षेत्र में आता है, कुछ यहाँ का जो इलाका है वो धानमंडी क्षेत्र में आता है। और जैसे ये वारदात हुई उसके बाद मीडिया ने काफी कोशिश की कि पूरी जानकारी को जुटाने के लिए, लेकिन पुलिस के किसी भी अधिकारी ने आके कोई सामने बयान नहीं दिया। और क्योंकि घंटाघर थाने से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही जो ये है इस तरह की वारदात यहाँ पर हुई है और वहां पर क्योंकि एक व्यापारी वर्ग रहता है तो लगातार वहां गश्त होनी चाहिए, उसके बावजूद इस तरह की वारदात यहाँ पर हुई है और दिन दहाड़े कोई शॉप में घुसकर चाकूबाजी कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है और उसके बाद में मीडिया तक को कोई जानकारी नहीं दी जाती स्पष्ट रूप से, तो कहीं ना कहीं ये जो है पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है जो शहर के लिए की गई है उस पर सवाल तो खड़े ही करता है। जी ज्योति। रवि, क्या जिस युवक का, आप बता दें कि जिसके साथ ये घटना हुई, उनके परिवार के द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और क्या पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? जी, नामजद रिपोर्ट बिल्कुल दर्ज करवा दी है और मैंने बताया आपको कि जो आरोपी है राजकुमार उसके जो काका हैं उदय सिंह उनको हिरासत में लिया पूछताछ के लिए, क्योंकि लंबे समय से विवाद चल रहा तो कहीं ना कहीं उनका भी इसके अंदर हस्तक्षेप आ रहा है, तो इसलिए उनको एक बार यहाँ पर हिरासत में लिया गया। पुलिस जो है अभी आरोपी की तलाश में जुटी है क्योंकि वो उस वक्त वारदात को अंजाम देके और मौके से फरार हो चुका था। जी रवि, क्या पुलिस मौके पर साक्ष्य जुटा पाई, जिस चाकू से वार कर हत्या की गई क्या वो चाकू पुलिस को बरामद हुआ? जी देखिए, अभी इस तरह की कोई भी चीज सामने नहीं आ पाई है क्योंकि पुलिस ने अभी तक इस पर किसी भी तरह की कोई बयान अभी तक नहीं दिया है कि उन्होंने मौके से कितने साक्ष्य उठाए थे। हालांकि जिस तरह के फोटो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह का खूनी संघर्ष वहां पर हुआ था और काफी जबरदस्त तरीके से उसको चाकू मारे थे, पूरी दुकान जो थी वो खून से सन चुकी थी, काफी अफरा तफरी मची है। लेकिन पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता है जब पुलिस आरोपी को पकड़ लेगी उसके बाद शायद हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पूरी मीडिया को जानकारी तब दे पाएगी कि क्या ये वारदात थी और उसके बाद में किस तरह के साक्ष्य वो जुटा पाए हैं और उनके पास अभी जो हथियार था जो वारदात में अंजाम लिए दिया गया था वो उनके पास आ पाया नहीं। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, एक ही परिवार के विवाद के चलते इस खूनी संघर्ष को अंजाम दिया गया।